हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? हैप्पी मकर संक्रांति। तो ये मकर संक्रांति का है ये वीडियो क्लिप। तो यहाँ पे हमने प्रसाद लगाया था, दही चूड़ा और तिल का लड्डू। तो केला सारा कुछ हमने एक ही साथ प्लेट में मिक्स कर लिया था और सब लोग इस तरह से एक ही प्लेट में खा लिए थे, क्योंकि ठंड का टाइम है, ज़्यादा आप दही नहीं खा सकते हो ना, तो वो भी डर लगता है। उस दिन तो पता नहीं क्यों कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रहा था। आप मेरा ड्रेस देख रहे हो, मैंने कितना कितना पहन रखी हूँ, इनर भी हमारा ऊपर से दिख रहा था। तो और हम लोग रेडी हैं, आर्यन के स्कूल जाना है, वहाँ पे छोटा सा बस ऐसे कुछ मेले टाइप का लगा हुआ है, तो वहाँ पे ही हम लोग को जाना है। तो मैं यहाँ पे सब लोग हम लोग खा रहे हैं, और तिल का हमने बना लिया था पहले ही, फ्रेंड ने तिल का बनाया था, और अभी भी तिल हमारा रखा हुआ है, इसका लड्डू मैं बना लूँगी, लेकिन खरीद के ही तिल आया हुआ था। तो यहाँ पे सब लोग मिलके खा रहे हैं हम लोग दही चूड़ा और गुड़, सबने मिलके कर लिया फिनिश। और बस ऐसे ही हो रहा है, मस्ती मजाक। हम तीनों ने तो खा लिया, लेकिन आर्यन जो है ना बिल्कुल भी नहीं खाता है दही चूड़ा, उसको तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं है। दही दही चीनी खा लेगा, पर दही चूड़ा खाने उसको बोलो ना तो बिल्कुल भी दही चूड़ा वो नहीं खाएगा। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं इसके स्कूल में, तो स्कूल में सारे देख रहे हैं, सब लोग मिलके डांस वांस कर रहे हैं। मैंने आवाज़ हटा दिया है क्योंकि कॉपीराइट दे देगा, और ऐसे भी यूट्यूब का तो पता नहीं आजकल तो क्या कहा जाए, हर दूसरे तीसरे वीडियो में वो कॉपीराइट दे देते हैं। तो मैंने सारा सॉन्ग जितना था सारा रिमूव कर दिया, और यहाँ पे आके तो मुझे भी इतना मज़ा लगा आ रहा था ना फ्रेंड, मुझे भी लगा कि इन बच्चों के साथ मैं भी घुस जाऊँ और डांस करने लगूँ लेकिन मैं बगल में ही डांस कर ली थोड़ा सा, तो सारे स्टूडेंट डांस कर रहे थे, कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत बहुत मज़ा आया। वैसे मैं गई वहाँ पे और दही चूड़ा खाने के बाद फिर मैं इसके स्कूल में जाके खाई चाउमीन, उसके बाद खाई छोले भटूरे, तो मस्त सा मैं वहाँ जाके फिर मस्ती की। और ये नाव वहाँ पे था, बहुत सारी चीज़ें थी, ऊँट था जिसपे आप घुमा सकते हो बच्चों को, लेकिन इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना फ्रेंड, तो मैंने उतना नहीं वेट नहीं किया, मैं बोली चलो, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना लंबी लाइन में, जिसकी पहले बारी है पहले तो वही बच्चे बैठेंगे ना। तो मैंने बोला बेटा वहाँ पे चलो जहाँ पे लाइन कम है, और यहाँ पे फिर मैंने इसको घुमा दिया। और इसकी परी की है ये फ्रेंड, बहुत सारी फ्रेंड आई हुई थी, कुछ पहले आई पहले चली गई और कुछ ये रही, और ये यहाँ पे कर रही है डांस। वो जो है ना वो सॉन्ग मैं बताती हूँ, भींगा भींगा है सबा पे, वो डांस कर रही थी ये दोनों। मैं बोली थोड़ा सा कर लो डांस, अच्छा लगा। ये देख रहे इसका स्टेप जो है ना वही वाला है ना, भींगा भींगा है सबा पे। तो ये बोले चलो कोई नहीं, थोड़ा सा डांस वांस कर लो, मैं सूट कर लो। तो काफ़ी काफ़ी लोग थे, काफ़ी अच्छा लगा। तो उसके बाद फिर हम लोग आ गए घर, घर आ गए हमने तो खा भी लिया था फ्रेंड चाउमीन छोले भटूरे। पांडे जी ने उतना कुछ खाया नहीं था, थोड़ा सा खाया था, मतलब 2-4 चम्मच, क्योंकि ये ऐसे भी उतना नहीं पसंद करते हैं बाहर का। तो यहाँ पे आए तो फिर ये खीरा खाए, गाजर खाए, उसके बाद इन्होंने पॉपकॉर्न बनाया, और पॉपकॉर्न देखिए कितना था। उसके बाद हम लोगों ने बनाया चाय, हमने बनाया शाम का, तो बस बन रही है हमारी गर्मा गर्म चाय। देखो कितनी अच्छी बनी है ना, बहुत अच्छी बनी है फ्रेंड हमारी चाय। तो फिर उसके बाद ये है हमारा आलू का चोखा, टमाटर और मटर डाल के जो मैं चोखा बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे है खिचड़ी, जो उसमें आप जो देख रहे हो ना बुलबुले टाइप का, तो उसमें मैं सरसों का तेल डाल दी हूँ, क्योंकि जब आप उसमें तेल डाल दोगे ना तो वो गिरता नहीं है, सीटी से बाहर नहीं आती है। उसके बाद मैं कर रही थी गोभी फ्राई, यहाँ पे मटर और टमाटर था, जो गोभी आलू को अच्छे से सब्जी बना के फिर खिचड़ी में मुझे डालना था। ये इधर आलू मटर टमाटर और थोड़े से मसाले डाल के बिल्कुल इधर रेडी कर दिया। उसके बाद जो चोखा था, चोखा बना के मैंने अलग अलग बर्तन में रख लिया, क्योंकि फ्रेंड बर्तन भी साफ़ करना होता है ना। तो ये देखिए इस तरह से मैं बना लेती हूँ कि कुकर में खिचड़ी, और ये जितना आलू का गोभी फ्राई किया हुआ है ना सब मिला दूँगी खिचड़ी में, और पतीले में भी आप बना सकते हो, मैं कुकर में बनाती हूँ, हम लोग को कुकर में का चावल ये खिचड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो जब भी मैं बनाती हूँ तो कुकर में ही बनाती हूँ, इसीलिए मैं इतना बड़ा वाला कुकर जो है ना रखी हुई हूँ। और इस तरह से
पचफोरन और सूखी मिर्च का हमने लगा दिया छौंक। आप कश्मीरी लाल मिर्च भी दे सकते हो, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। तो मैं ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च ऐसे यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि कलर डालने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए क्या फ़ायदा। तो ये रहा हमारा सिंपल सा हमारा खिचड़ी, और यहाँ निकल रहा है फ्रेंड हमारा प्लेट, जो मैं निकालूँगी खाना आप सबके लिए। और गर्मा गर्म खिचड़ी देख के ना फ्रेंड, सच में बहुत मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी। आप भी सोचोगे वाह कितना टेस्टी बना है, और सच में बहुत ही टेस्टी बना था फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ इतनी टेस्टी बनी थी। क्या दूसरे दिन भी थोड़ा सा बचा था हमारा खिचड़ी, तो हम लोगों ने वही गर्म करके खाया, क्योंकि जब बच जाए तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, गर्म करके खा लेना चाहिए। और